फार्मा वारियर चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले एग्जिट एग्जाम का जो डेट निकला था उसका डेट कैंसिल हो चुका है, तो कब तक निकल सकता है नेक्स्ट वाली डेट एंड क्या कुछ चेंजेस आ सकता है इस वाले नोटिफिकेशन में, सबके साथ बात करेंगे इस वाले वीडियो में। तो फार्मा हाउस चैनल में आप नहीं आई हो तो जरूर फार्मा हाउस चैनल का सब्सक्राइब बटन क्लिक करके फार्मा हाउस का मेंबर होना नहीं भूलिए, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको रेगुलर बेसिस जॉब अपडेट, रेगुलर से नोटिफिकेशन अपडेट, साथ साथ करियर गाइडेंस, तो सब कुछ एक ही साथ एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर डिटेल्स में पाने के लिए फार्मा हाउस चैनल को सब्सक्राइब बटन क्लिक करके बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिएगा। तो अभी आ जाते हैं और मेन ऑफिशियल पे, जिसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा netboard.edu.in। उसके बाद कुछ इस तरह का नोटिस आपने देखा होगा शायद, डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन October 2024 हैज बीन डिफर्ड। तो इसके लिए जो मेन नोटिफिकेशन है वो कहां से मिलेगा उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज पर, एंड यहां पर पब्लिक नोटिस जो देख रहे हैं उसके लिए एक बार मैं रीलोड करके दिखा देता हूं। जब भी पब्लिक नोटिस को आप देखेंगे तो यहां पर फर्स्ट वाले जो ऑप्शन आएगा आपका वही आएगा आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी का नोटिस करके, तो उसको आपको डाउनलोड कर लेना है एंड उसके बाद ही आप कुछ इस तरह का नोटिस पर देख पाएंगे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कुछ लिखा गया है, NBEMS हैज बी नोटिस डेटेड 24/08/2024 हैज नोटिफाइड द शेड्यूल ऑफ द कंडक्ट ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन DPEE October 2024। द फार्मेसी काउंसिल ऑफ द इंडिया PCI हैज बीन डिसाइडेड टू डिफर द DPEE टू ए फर्दर डेट। तो चलिए पहले देख लेते हैं कितने कितने तारीख पर एग्जाम होने वाला था। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट में, एंड यहाँ से आपको DPEE जो सेक्शन है यहाँ से आपको जाने के बाद इन्फॉर्मेशन बुलेट जो है वहाँ से आप देख सकते हैं जो आपका डेट था। तो यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट जो डेट्स था वो उसको बारे में एक बार चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर एप्लीकेशन का डेट था 24 अगस्त से 13 सितंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 16 सितंबर के अंदर आप एडिट कर सकते हैं, एंड 24 सितंबर के अंदर आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन सब कुछ आपको ठीक करके देना था। एंड इशू ऑफ द एडमिट कार्ड का जो डेट था वो 13 सितंबर था, एंड यहाँ पर जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला था वो 3rd, 4th, and 5th October को होने वाला था, जिसका डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट था 4th November के अंदर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप आपका जो जो एग्जाम था वो पूरा पूरी कैंसिल हो चुका है, एंड यहाँ पर लिखा गया है द DPEE October 2024 हैज बीन शेड्यूल टू बी हेल्ड 3, 4, 5 October हैज बीन डिफर द एंड रिवाइज शेड्यूल एज वेल एज चेंज इन स्कीम इफ एनी शैल बी इन्फॉर्म्ड इन द एप्लीकेशन इज ड्यू कोर्स। मतलब आपका यहाँ पर जो अक्टूबर का एग्जिट एग्जाम होने वाला था वो पूरा पूरी कैंसिल हो चुका है, एंड यहाँ पर जो नेक्स्ट जो डेट होने वाला है वो यहाँ पर डिसाइड करके आपको ऑफिशियल वेबसाइट में दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो करके रखना के लिए बोला गया है। तो अभी बात है कि यहाँ पर क्यों कैंसिल किया गया है, कैंसिल करने का क्या रीज़न रहेगा, एंड क्या कितने तारीख के अंदर आपका जो एग्जाम है नेक्स्ट एग्जाम है वो कितने तारीख के अंदर हो सकता है। तो जैसे कि आप सबने यहाँ पर प्रोटेस्ट किए थे कि यहाँ पर जो एग्जिट एग्जाम का जो फीस है उसके बारे में, जहां पर हर एक स्टेट से यहां पर ऑब्जेक्शन दिया गया था, जो कि एग्जामिनेशन का फीस है 5,000+900 GST करके 5,900 टोटल फीस। तो इसको डिक्रीज करने के लिए एंड इसको मिनिमाइज करके एक मॉडिफाइड एंड स्टैंडर्ड फीस लाने के लिए, तो यहां पर आपका जो एग्जामिनेशन फीस था इसके वजह से मेनली PCI ने डिसाइड किया है इसको इसका डेट चेंज करने के लिए। तो कब तक आ सकता है नेक्स्ट डेट, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा भारतीय राजपत्र में निकलने वाली जो नोटिफिकेशन था जो पिछले ईयर में उस वाले नोटिफिकेशन में, जिसमें डी फार्मा का एग्जिट एग्जाम के बारे में पूरा डिटेल्स में बताया गया था, किस तरीके से एग्जाम होने वाला था, किस तरीके कैसे एग्जाम होगा, ईयर में कितने बार एग्जाम हो सकता था सब कुछ। तो उसमें आपको जाना पड़ेगा एंड वहां पर आपको चेकआउट करना पड़ेगा क्या कुछ वहां पर लिखा गया था। तो हम लोग आ चुके हैं भारतीय राजपत्र का उस वाले नोटिफिकेशन पर, यहां पर आपको दिखाने वाले हैं जैसे कि यहां पर डेफिनेशन करके दिया गया है, यहां पर ऑब्जेक्टिव करके दिया गया है, यहां फ्रीक्वेंसी में जब भी आप आएंगे यहां पर आप देख चेकआउट कर सकते हैं details regarding the scheme of the conducting diploma in pharmacy exit examination and syllabus of the test shall be announced by the pharmacy council of india time to time for the information of the candidate. The candidate may appear for exit examination conduct twice every year, मतलब ईयर में दो बार होगा, एंड जो कि एक बार आपने October 24 को तो देख ही लिया, नेक्स्ट बार जो होने वाला है वो आपको April 24 में देखने को मिलेगा। तो इस वाले अप्रैल जो 24 में एग्जाम आने वाला है इसमें हर एक वेस्ट बंगाल का फार्मासिस्ट जो है जो फार्मासिस्ट यहाँ पर डीफार्म कर चुके हैं उस सारे फार्मासिस्ट यहाँ पर एलिजिबल रहने वाला है डीफार्म एग्जिट एग्जाम बैच के लिए। तो नेक्स्ट बार जो एग्जिट एग्जाम होने वाला है April 24 में उसमें हर एक फार्मासिस्ट डीफार्म पास कर चुके होंगे, तो
उस हर एक फार्मासिस्ट यहाँ पर एलिजिबल रहने वाला है, हर एक स्टेट का फार्मासिस्ट एलिजिबल रहने वाला है इस एग्जिट एग्जाम के लिए। एंड आशा करते हैं उस टाइम पर आपका एक स्टैंडर्ड फीस देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपका भी एक अच्छा प्रिपरेशन का टाइम मिल जाएगा इसमें अच्छा परफॉर्मेंस के लिए। तो आप इस एग्जिट एग्जाम बैच में अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, अच्छा रिजल्ट आना चाहते हैं, तो जरूर ज्वाइन कर सकते हैं फार्मा आर्ट्स का एग्जिट एग्जाम गाइडेंस बैच जो कि नया वाला स्टार्ट होने वाला है 1 तारीख से। तो क्या कुछ फैसिलिटी मिलने वाला है इस बैच के अंदर, इसमें आपको मिलने वाला है लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस फैसिलिटी, रेगुलर मॉक टेस्ट का फैसिलिटी, साथ ही क्वालिफाइड टीचर जो कि हर एक टीचर है एडुकेटेड एंड आपके बेस्ट गाइडेंस के लिए यहां पर हायर किया गया है। एंड यहां पर फ्लेक्सिबल एक्सेस ऑफ द कोर्स मटेरियल, मतलब यहां पर जो आपको कोर्स मटेरियल दिया जाएगा वो हैंड पिक नोट दिया जाएगा एंड शॉर्ट नोट दिया जाएगा, जिसके वजह से आपका जो प्रिपरेशन होने वाला है वो टॉप नॉच होने वाला है। साथ ही साथ फार्मा आर्ट्स का गारंटी है आपको एक चांस पे पास करने का, कोई भी कारण से आप पास भी नहीं करते हो तो पिछले वाले ईयर से आपको कोई भी फीस नहीं देना पड़ेगा, मतलब रजिस्टर वंस बेनिफिट बार बार। तो यहाँ पर ही खत्म नहीं होता है, फार्मास इसके साथ साथ ऑफर करता है फ्री जिलेट सब्सक्रिप्शन, मतलब ईफाम एग्जिट एग्जाम का सब्सक्रिप्शन के साथ साथ पूरा पूरी फ्री में मिलने वाला है जिलेट 25 का क्रैश कोर्स। तो और भी डिटेल्स में जानने के लिए एंड फार्मा आर्ट्स गाइडेंस एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना था कि आशा करते हैं आज का जो वीडियो था वो इंफॉर्मेटिव रहा हो। इस तरह का और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए फार्मा एकेडमी जॉब अपडेट, फार्मा एकेडमी नोटिफिकेशन अपडेट एंड फार्मा एकेडमी कैरियर गाइडेंस पाने के लिए फार्मा आर्ट्स के साथ जुड़ना ना भूलिएगा, जिसके लिए आपको सिर्फ सब्सक्रिप्शन बटन को क्लिक करके एक बेल आइकन को क्लिक कर लेना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना था कि मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप अपडेट्स ऑलवेज ऑल टाइम विद फार्मा आर्ट्स। फार्मा के साथ बने रहने के लिए असंख्य धन्यवाद। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे पाना चाहते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में यूज करने वाली हर एक नोटिफिकेशन को अवेल करने के लिए फार्मा आर्ट्स का टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका टेलीग्राम नहीं रहेगा उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन करके सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल्स को डायरेक्टली अवेल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फार्मा के साथ बने रहने के लिए।